Hello dear students and welcome to English class. So are you ready for your today's test? Today I am going to take test of literature book chapter 1, 2 and 3. So today's test is based on objective type questions. इसमें मैंने ज़्यादा question answers आपको करवाए नहीं हैं. So we are going to take, अगर आपके exams भी होते हैं तो उसमें question answers नहीं आएंगे. Just इसमें जो true or false है, tick the correct answers हैं, rhyming words हैं. सो इस तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे, तो मैंने टेस्ट भी उन्हीं क्वेश्चंस का दिया है. और अभी तक आपका जो टेस्ट हुए हैं, आई होप दैट आपको सारी चीज़ें जो भी आप रिवाइज़ कर रहे हो वो क्लियर होती जा रही हैं. बिकॉज ये टेस्ट हम इसीलिए ही कंडक्ट कर रहे हैं कि जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर कोई आंसर्स हैं वो आपका छूटता ना जाए, बल्कि अगर आप रिवाइज जब करेंगे या आप लर्न जब करेंगे वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ. इफ़ देर इज़ एनी डाउट then you can call me or you can message me, I will explain it to you. Okay students, so let's start the test. This test is also of 10 marks. So अभी तक हमने 3 test ले लिए हैं, मैं आपके ले चुकी हूँ. This is your 4th test and 10 marks के test लिए हमने, है ना. तो अभी तक 30 marks का test हो गया और ये जो ये है ये भी 10 marks का है, तो total हो गया 40 marks test. Okay, so let's start the test. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स. तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने चैप्टर के अंदर से बनाया है, तो ये क्वेश्चंस हैं ये आपके एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, स्टोरी पढ़ी है, तो मैंने इस जो भी क्वेश्चंस हैं ये फॉर्म किए हैं चैप्टर्स के अंदर से. ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ वन बाय वन. द जायंट्स लाइफ वॉज वेरी एक्साइटिंग. So the life of giant was very exciting. Is it true or false? Gargi was tall and Carmilla was short. So is it true or false? Gargi, इसमें बताया गया है कि Gargi जो है वो लंबी थी और Carmilla short थी. तो is it true or false? The tree wanted to give fruit to the girl. वो जो पेड़ है वो girl को अपना fruit देना चाहता था. Right or wrong? Gargi was the winner of the contest. So who was the winner of the contest? इसमें लिखा है Gargi was the winner of the contest. So is it true or false? The next one, the tree agreed to Vin's request. So was that so? So you have to, अगर आपने स्टोरी अच्छे से सुनी है तो आप इनके आंसर्स बहुत ईजिली दे पाओगे, बिकॉज ये बहुत ही ईजी स्टेटमेंट्स सेंटेंसेज हैं और ये स्टोरी में से लिए गए हैं. तो स्टोरी अगर आपने ध्यान से सुनी है तो इसके आंसर्स आप बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे. ओके, सो दिस क्वेश्चन देर आर 5 सेंटेंसेज एंड ईच कैरीज 1-1 मार्क्स, टू टोटल दिस इज ऑफ 5 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट राइट द राइमिंग वर्ड्स. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन यू सम वर्ड्स, यू हैव टू राइट द राइमिंग वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स मीन्स सिमिलर साउंड वर्ड्स. ओके, सो हियर सम वर्ड्स लाइक सन, क्राउन, बुक, रेजेस, टॉल. तो इनमें आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. आप चाहो तो अपने बुक में से जो स्टोरीज में राइमिंग वर्ड्स थे वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन राइट योर ओन वर्ड्स. अगर आपको और भी कुछ इनका राइमिंग वर्ड्स आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हो. 2-2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं आपको. सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैरीज 5 मार्क्स, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. ओके, सो 1 ब्लैंक कैरीज हाफ मार्क्स, 2 ब्लैंक का हो गया 1 मार्क्स. ओके, सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैरीज 5 मार्क्स, तो 5 + 5 = 10. सो दिस इज 10 मार्क्स टेस्ट. सो हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन जस्ट राइट द आंसर्स, नो नीड टू राइट क्वेश्चंस. आप इसमें जस्ट अपने आंसर्स लिख के भेज सकते हो. ओके, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आप सिर्फ आंसर्स लिख के भेज सकते हो. ओके, क्लियर. सो स्टूडेंट्स डू योर वर्क नीट एंड टाइडी. जो भी आप क्लास टेस्ट करो वो एकदम साफ सुथरा करना है आपको, और उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. उसे फिर से चेक भी करना है, बिना चेक करे खुद ही आपको चेक करना है और फिर उसके बाद मुझे सेंड करना है. ओके, सेंड द पिक बाय टुडे इवनिंग विदाउट फेल. ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.